अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सारा और आप देख रहे हैं सारा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। व्यूअर्स, आज की सबसे अफसोसनाक खबर तो आप सुन ही चुके होंगे। ज़ुबैदा आपा, होम रेमेडीज़ की जानी मानी शख्सियत, काफ़ी अरसा अलील रहने के बाद आज हमें हमेशा के लिए छोड़कर इस जहान फ़ानी से कूच कर गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हेल्थ और ब्यूटी के टॉपिक पर चैनल हो और हम सब ज़ुबैदा आपा का जिक्र ना करें, ये नहीं हो सकता। ज़ुबैदा आपा की डेथ के बाद बहुत से लोग उनका फैमिली बैकग्राउंड जानना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताती चलूं। ज़ुबैदा आपा 4 अप्रैल 1945 को हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई। इनकी फैमिली 1947 में माइग्रेट करके कराची आई और PIB कॉलोनी में रिहाइश इख्तियार की। ज़ुबैदा आपा 6 बहनों और 4 भाइयों में सबसे छोटी थी। ज़ुबैदा आपा का नहायत ही इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक़ है, जिसमें फातमा सरैया बजिया और अनवर मकसूद जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ज़ुबैदा आपा 8 साल की उम्र में बाप की शफकत से महरूम हो गईं। ज़ुबैदा आपा की शादी 1966 में 21 साल की उम्र में उनके फर्स्ट कज़न तारिक मकसूद से हुई। ज़ुबैदा आपा के 2 बच्चे, बेटा हुसैन तारिक और बेटी सबा तारिक हैं। आज जुमे के बाद उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, जिसमें अजीज़ वकारीब और लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई और उन्हें डिफेंस के कब्रिस्तान कराची में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन।